इंटर का रिजल्ट आने पर बच्चों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वहीं आज सिवान शहर के पीके आर्ट्स एकेडमी में बच्चों ने इंटर परीक्षा में बाजी मारी। इसको लेकर टीचरों ने बच्चों को किया सम्मानित। सरकार न्यूज लाइव। जिसकी वजह से हम आपके सामने अभी खड़े हैं, वो अपनी मेहनत से हम लोग को मतलब अच्छे अंक से पास कर। प्रमोद सर को मैं सबसे ज़्यादा इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में वैसे मेरा अंक 390 है, वैसे मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कोचिंग की टॉप। और जो टीचर हैं कैसे इन्होंने आप लोगों को प्रिपरेशन कराया? टीचर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराए हैं, क्योंकि मैं टीचर को थैंक्स देना चाहूँगी क्योंकि हम लोग को जो क्वेश्चन जैसे कि क्लास में बचते थे वो हम लोग क्लास ओवर होने के बाद सर हम लोग को 2-3 घंटा तक समय देते थे। सर आप ऐसा कभी नहीं कहे कि आप लोग बहुत लेट हो गया जाओ चाहे कुछ भी, या हटते नहीं थे, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम लोग को सॉल्व कराए। सो थैंक्स ऑल टीचर। अपना नाम बता दीजिए। माय नेम इज आयुष कुशवाहा। मैंने इंटरमीडिएट के क्लास में 327 अंक लाया और इस कोचिंग के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि समय समय पर हर चीज़ का प्रिपेयर और सब्जेक्ट प्रिपेयर कराया जाता है। कितने घंटे तैयारी करते थे आप एग्जाम के? एग्ज़ाम के समय हम वही 8 घंटा तैयारी करते थे घर पे। पहली बात तो ये कि सिवान शहर के लिए एक नई बात है पीके आर्ट्स एकेडमी। आर्ट्स में भी टीचिंग की ज़रूरत है, ये प्रमोद जी ने पहली बार समझा और इंस्टीट्यूट को लॉन्च किया और उसका परिणाम आपके सामने है। बेहतरीन रिजल्ट रहा है इस बार कोचिंग का, तो ये सिवान के लिए एक नवीन प्रयास है और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश प्रमोद जी द्वारा की जानी चाहिए और बेहतर तरीके से। और पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि आर्ट्स में काफ़ी रुचि बच्चों को कम हो रही है और ऐसे बच्चे आर्ट्स में जाना चाहते हैं, क्या आपसे मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि बच्चों की आर्ट्स में रुचि कम हो रही है। देखा यह गया है कि साइंस में रुचि कम हो रही है और साइंस के बच्चे निकल के आर्ट्स या कॉमर्स की तरफ हुआ। ये है मेरी समझ, साइंस में रुचि कम हो रही है क्योंकि साइंस का फील्ड सीमित हो रहा है, तो आर्ट्स और कॉमर्स दो नए फील्ड हैं जो उभर रहे हैं, ये नया ट्रेंड है। बिल्कुल, ये चीज़ें तो मैंने पहले भी इनको कही हैं कि आप अपने से चुनिए, लक्ष्य आपका होगा, मन आपका होगा, लगन आपकी होगी, तैयारी में सहयोग हम लोग। बिहार बोर्ड को क्या कहना चाहेंगे कि बहुत कम समय में रिजल्ट दिया, 44 दिन में, इस बार पहली बार हुआ है इस? हाँ बिल्कुल, ये एक बेहतरीन परफॉर्मेंस और रिकॉर्ड परफॉर्मेंस है और ऐसा लगता है कि बिहार के अच्छे दिन आने वाले हैं। थैंक यू। हमारे यहाँ से निकले तमाम विद्यार्थी बहुत मेहनत किए हैं, परिश्रम का फल हमेशा सबको मिलता है और इस रिजल्ट के माध्यम से इनके परिश्रम की मिल गई है। और मैंने केवल इसी के लिए नहीं पढ़ाया है कि इनका केवल रिजल्ट अच्छा है, फ्यूचर में ये लोग बेटर से बेटर करें, इसलिए हमने अन्य संस्थान जो भी है उसमें गाइड के सहारे लोग पढ़ाता है, आंसर क्वेश्चन आंसर जो भी है सब लोग गाइड से पढ़ाता है, लेकिन हमारे यहाँ उस तरह की प्रक्रिया नहीं है। हमारे यहाँ गाइड से नहीं पढ़ाई जाती है, हमारे यहाँ बुक से कहीं किसी भी बुक से आप क्वेश्चन लेकर आइए, हमारे यहाँ एक जो पहला चैप्टर है या दूसरा चैप्टर है चैप्टर वाइज 70-80 क्वेश्चन मिलते हैं और प्रत्येक के लिए स्पेशल टीचर वहाँ पे जो बनाया गया है ऑफिस वहाँ पे बैठते हैं और सभी को टोटल क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। कितने बच्चे यहाँ से अच्छे मार्क्स लाए? हमारे यहाँ 35 स्टूडेंट थे जिसमें 26 फर्स्ट डिवीज़न से हैं और 9 लगभग सेकेंड डिवीज़न से हैं, बाकी एक जो स्टूडेंट है वो मात्र थर्ड डिवीज़न से आई है। जो बच्चे अभी चूक हो गए हैं थोड़ा सा उनका मार्गदर्शन, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे मैनेज करें?
मैं कहना चाहूँगा उनके लिए कि देखिए, अंक से केवल लोगों को सफलता उसकी हम लोग नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि सफलता अंक रूप रंग से नहीं है। सफलता आज भले ना मिले लेकिन कल उसे मिलेगा, लेकिन उसे सत्कर्म करने होंगे। जो भी कर्म है उसको विश्वास के साथ उसे करना होगा। आज नहीं मिल रहा है, कल जरूर मिलेगा, क्योंकि पारिश्रमिक सबको मिलती है। मैं पीके आर्ट्स अकेडमी के डायरेक्टर प्रमोद कुमार और यहाँ के अन्य जो टीचर्स हैं, कुंदन सर, रंजीत सर, संदीप सर, ये तमाम शिक्षकों ने और उनके सहयोग से हमारे विद्यार्थियों ने आज अच्छे अंक प्राप्त किए हैं।